पति भी उसको दिया और उसकी जो झोपड़ी थी वो भी महल में बदल दी। अब दोनों पति पत्नी महल में बैठकर के सार फांसे खेल रही थी, तभी पता लगते ही सभी सुहागन स्त्रियां वहां तरवा बदलने के लिए आ गई और उसकी ननद को भी पता चला तो तुरंत ही वहां पहुंच गई और अपने भजाई की झोपड़ी को ढूंढने लगी। पता लगने पर मालूम चला कि उसकी जो झोपड़ी थी वो महल में बदल गई, तो वो महल के अंदर गई और भजाई ऊपर से उतर करके जब आई तो उसके ननद के पैर छुए, दोनों एक दूसरे के गले मिले और बहुत प्रसन्न हुए। और राजा रानी को भी मालूम चलने पर तुरंत वहां पहुंचा और दोनों को घर दीवार आए और घर में नगर में पूरा ढिंढोरा पिटवा दिया कि सभी स्त्रियों को 12 महीने का ये चौथ व्रत अवश्य करना चाहिए, अगर 12 न कर सके तो 4 करें, 4 भी न कर सके तो 2 व्रत साल में अवश्य करना चाहिए, सकर चौथ और करवा चौथ। बोल गणेश भगवान की, बोल करवा चौथ माता की, बस एक बार करना है।